हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्यूटोरियल में मेंस बॉक्स शॉट का पैटर्न बनाएंगे कैड सॉफ्टवेयर में। चलिए इसका मेजरमेंट देखते हैं। एक रेगुलर साइज लेंगे, टोटल लेंथ इंक्लूडिंग वेस्ट बैंड 13.75 इंच, वेस्ट रिलैक्स 30 इंच होगा, वेस्ट बैंड हाइट 1.25 इंच, टोटल वेस्ट स्ट्रेच 45 इंच, टोटल हिप 47 इंच, थाई 27.75 इंच, बॉटम विथ 26 इंच, फ्रंट राइज एक्सक्लूडिंग वेस्ट बैंड 11 इंच, बैक राइज एक्सक्लूडिंग वेस्ट बैंड 13 इंच, फ्लाई लेंथ 7.75 इंच एंड फ्लाई विथ 1.40 इंच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फ्रंट का पैटर्न बनाएंगे। लंबाई लेंगे 12.5 इंच विदाउट वेस्ट बैंड एंड विथ लेंगे 1.25 इंच जो कि फ्रंट हिप का है। नेक्स्ट अभी हम हिप लाइन का ड्रॉ करेंगे। हिप लाइन का जो प्लेसमेंट है 7.5 इंच है फ्रॉम टॉप से। अभी हम थाई लाइन का ड्रॉ करेंगे। थाई लाइन का जो प्लेसमेंट है 10.15 इंच है टॉप से। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट बॉटम विड्थ का मार्क एंड ड्रॉ करेंगे। फ्रंट बॉटम एंड बैक बॉटम का जो डिफरेंस रहेगा वो 1 इंच रहेगा। टोटल बॉटम 26 इंच है, उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे 25। इसे अभी दो भाग में डिवाइड करेंगे। जब हम फ्रंट बनाएंगे 12.5 इंच लेंगे, जब बैक बनाएंगे उसमें 1 इंच प्लस करके 13.5 इंच लेंगे। फ्रंट बॉटम विड्थ का मार्क करते हैं 12.5 इंच पर एंड 1.40 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। मार्क हो चुका है, अभी एक लाइन खींचेंगे। इसे शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट थाई का मार्क करेंगे। इसका डिफरेंस देखते हैं। फ्रंट एंड बैक का थाई का जो डिस्टेंस होगा वो 1.75 इंच होगा। टोटल थाई 27.75 इंच है, उसमें से हम 1.75 माइनस करेंगे 26 को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। जब हम फ्रंट का पैटर्न बनाएंगे 13 इंच लेंगे, और जब बैक का पैटर्न बनाएंगे उसमें 1.75 प्लस करके 14.75 इंच लेंगे। साइड से 13 इंच पर एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी फ्रंट इनसिम का ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अभी फ्रंट हिप का मार्क करेंगे। उससे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंसेस 1 इंच का रहेगा। टोटल हिप 47 इंच है, इससे पहले 47 को दो भाग में हम डिवाइड करेंगे 23.5। अभी इसमें से 1 इंच माइनस करेंगे 22.5। 22.5 को दो भाग में डिवाइड करेंगे 1.25। जब हम फ्रंट बनाएंगे 1.25 देंगे, और जब बैक बनाएंगे उसमें 1 इंच प्लस करके 1.12 इंच लेंगे। हिप का मार्क करेंगे साइड से 1.11 इंच पर। नेक्स्ट अभी फ्रंट वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट का जो टोटल स्ट्रेच है 45 इंच है, इसे चार भाग में डिवाइड करेंगे 1.25। जब हम फ्रंट बनाएंगे 1.25 लेंगे, और जब बैक बनाएंगे उसमें भी 1.25 लेंगे। नेक्स्ट फ्रंट राइज का ड्रॉ करेंगे। फ्रंट राइज का जो मेजरमेंट है वो 11 इंच है विदाउट वेस्ट बैंड। इसे शेप देंगे। अभी
जो लाइन हमें नहीं चाहिए उसे हम डिलीट करेंगे। फ्रंट का पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, अभी हम बैक का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बॉटम का मार्क ड्रॉ करेंगे, सारे 13 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड 1.40 नीचे की तरफ डाउन करेंगे। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड शेप देंगे। नेक्स्ट अभी बैक थाई का मार्क करेंगे 14.75 इंच पर। बैक इनसीम का ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अभी बैक हिप का मार्क करेंगे 12.25 इंच पर। नेक्स्ट अभी बैक आउट सिम का ड्रॉ करेंगे 0.25 बाहर की तरफ निकालेंगे। मार्क करेंगे आउट सिम का लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट अभी हम बैक वेस्ट का ड्रॉ करेंगे, उससे पहले हम 11.25 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड ऊपर की तरफ 1.5 इंच लेंगे। एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट अभी बैक राइज का ड्रॉ करेंगे, थाई टू वेस्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे शेप देंगे। बैक राइज 13 इंच है विदाउट वेज बेल्ट। .25 डाउन करेंगे, बॉटम को भी उतना ही डाउन करेंगे। .30 डाउन करेंगे बैक राइज का मेजरमेंट आने के लिए। अभी देखिए मेजरमेंट अपना आ रहा है, बैक पैटर्न का ड्रॉ हो चुका है।
नेक्स्ट अभी हम साइड स्लिट कर ड्रॉ करेंगे। साइड स्लिट की जो लंबाई है 1.75 इंच रहेगा। साइड स्लिट का ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम बैक का पैटर्न सेपरेट करेंगे एंड उसके बाद फ्लाई का पैटर्न हम बनाएंगे। फ्लाई का पैटर्न फ्रंट के साथ अटैच रहेगा राइट एंड लेफ्ट साइड में। सेपरेट करते हैं, बैक का पैटर्न सेपरेट हो चुका है। अब इसे सीम ऐड करेंगे एंड बॉटम के तरफ एक्स्ट्रा सीम ऐड करेंगे। नेक्स्ट अभी हम बैक का पैटर्न ड्रॉ किया है उसे डिलीट करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी हम लेफ्ट फ्रंट का फ्लाई का पैटर्न बनाएंगे। फ्लाई का जो लेंथ रहेगा 7.75 इंच रहेगा। वन पॉइंट फोर्टी इंच बाहर की तरफ निकालेंगे। सेवन पॉइंट सेवन फाइव इंच पर एक मार्क करेंगे। इसे थोड़ा सा शेप देंगे। नेक्स्ट अभी बाहर की तरफ मार्क करेंगे 6.5 इंच पर लाइन को। लाइन को जोड़ेंगे। लेफ्ट फ्रंट का पैटर्न बन चुका है, इसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट हो चुका है, अभी हम सीम ऐड करेंगे और बॉटम की तरफ एक्स्ट्रा सीम ऐड करेंगे। इसे नेम एंड नंबर ऑफ कट देंगे, सिंगल कट रहेगा एंड बैक का कट टू रहेगा।
नेक्स्ट अभी हम राइट साइड का फ्रंट का फ्लाई का ड्रॉ करेंगे, डबल फोल्ड रहेगा फ्लाई का। एक लाइन लेंगे 2.80 इंच का, लाइन को जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ। राइट फ्रंट बन चुका है, इसे सेपरेट करेंगे, सीम ऐड करेंगे एंड बॉटम पर एक्स्ट्रा सीम ऐड करेंगे। नेम एंड नंबर अप कर देंगे। नेक्स्ट अभी हम रेडी फ्लाई का पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट अभी हम वेस्ट पट्टी का पैटर्न बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। इसको हम विदाउट वेस्ट पट्टी बना सकते हैं, उसके लिए आपको फ्रंट एंड बैक टॉप पर एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा। मार्जिन ऐड करते हैं 3 इंच। हमने 3 इंच ऐड किया है फ्रंट एंड बैक पर, बिकॉज जो हमारा वेस्ट बेल्ट का हाइट है वो 1.25 इंच है, और जब डबल फोल्ड होगा तो 2.5 इंच होगा, उसमें 1/2 इंच और हमने मार्जिन ऐड किया, अंदर की तरफ जाएगा। बैक जाते हैं फिर से, जब आप विदाउट वेस्ट पट्टी बनाएंगे तो इस तरह से आप मार्जिन ऐड करना होगा, बट हम अलग से बना रहे एंड वेस्ट पट्टी का पैटर्न बनाते हैं। एंड वेस्ट पट्टी का जो लेंथ है स्ट्रेच का मेजरमेंट वो 45 इंच है, एंड इसका इलास्टिक कट होगा और रिलैक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट होगा। वेस्ट पट्टी का पैटर्न बनाते हैं, ड्रॉ करेंगे, लंबाई लेंगे 45 इंच एंड विथ लेंगे 1/2 इंच।
एंड और 1.25 इंच आगे की तरफ लेंगे। पट्टी का पैटर्न बन चुका है, अभी इसे सेपरेट करेंगे और सीम ऐड करेंगे। नेक्स्ट अभी हम बैक पॉकेट का पैटर्न बनाएंगे। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, लंबाई लेंगे 6 इंच एंड विड्थ होगा 5 इंच। नेक्स्ट अभी हम दोनों साइड में नीचे के तरफ 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अभी एक सेंटर में एक मार्क करेंगे, एक क्रॉस लाइन खींचेंगे दोनों साइड में। पॉकेट का पैटर्न बन चुका है, अभी बैक में पॉकेट का प्लेसमेंट का मार्क करेंगे जहां पे पॉकेट अटैच होगा। एंड टॉप से 1.5 इंच लेंगे। मार्क हो चुका है पॉकेट का। अभी हम कनेक्ट करेंगे पॉकेट को बैक के ऊपर। बैक पॉकेट को हल्का सा रोटेट करेंगे। एंड इस पॉकेट पे हम मार्जिन ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट सभी पैटर्न हमारे बन चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।